आपके घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेंकी नहीं जा सकती, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे मैंने अपने आर्ट में बहुत सी टेक्निक्स दिखाई हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं और वो सारी चीज़ें ऐसी थी लोगों के लिए वेस्ट थी, लेकिन मैंने उस पर आर्ट क्रिएट किया। मेरा नाम शाहरہ आरिज़ है और मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ और मैं मिक्स मीडिया और एब्स्ट्रैक्ट पे काम करती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत से आर्ट किए हैं, लेकिन मेरा जो आर्ट मैंने ख़ास तैयार किया है वो मैंने सिक्कों से तैयार किया है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ ममालिक के सिक्के यूज़ किए हैं और उसमें मैंने मैसेज दिया है कि कोई भी मुल्क हो वो अगर एक हो के इत्तेहाद और यकजहती के साथ रहें तो वो बहुत कामयाब हो सकते हैं। 12 साल पहले मैंने सऊदी अरब में ये काम अपना स्टार्ट किया था और वहाँ पे मेरा स्टूडियो था, मैं बच्चों को सिखाती थी। मैंने ये सोचा कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान जाऊं और वहाँ पे जाके भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करूं। तो यहाँ से अपना मुल्क से नाम बनाने की मैंने कोशिश की है और आगे मेरा ये प्लान है कि मुझे इस चीज़ को आगे और लेके चलना है और कुछ नई क्रिएटिविटी दिखानी है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे तैयार करना है जिसमें आने वाले जो जितने भी बच्चे हैं वो उनको सब चीज़ें एक साथ मिल सकें, वो आर्ट को सीख सकें। जब मैंने सऊदी अरब में काम स्टार्ट किया तो वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, जो उनके बच्चे आए और उन्होंने मेरा काम देखा तो मैंने उनको सिखाने की कोशिश की ताकि वो भी अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैंने सऊदी अरब में रह के देखा और यहाँ भी माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं और मेरी भी कोशिश है कि आगे बच्चों को हम ऐसी तालीम दे सकें कि वो आगे कोई भी चीज़ वेस्ट ना लगे, हर चीज़ को क्रिएट कर सकें।